यूपी विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य पर अगले वर्ष कौन राज करेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं, इस बार का चुनाव हर मामले में काफी रोचक होगा, जो कि आने वाले कई राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करेगा। हम बात कर रहे हैं जालौन के 3 विधानसभाओं की, जहां वर्तमान में 3 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो सपा के दया शंकर वर्मा 2012 में विधायक थे, वही उरई विधानसभा से भाजपा से गौरी शंकर वर्मा ने जीत दर्ज की। लेकिन इस बार चुनाव का रुख कुछ अलग देखने को मिलेगा और प्रत्याशियों को जीत की राह आसान नहीं होगी। वही अगर चुनाव को लेकर ताज़ा सर्वे के अनुसार बात की जाए तो आज के हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। मतदाताओं के रुझानों में बदलाव नज़र आ रहा है, इस बार प्रत्याशियों की जीत आसान नहीं होगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता एम अरमान ने जाना जनता का मूड। नमस्कार, स्वागत है, मैं हूं माजी तरमान, आप देख रहे हैं वोकल टाइट कार्यक्रम। वोकल टाइट कार्यक्रम में आज हम उरई की जनता से पूछेंगे कि आज किसका वोकल टाइट है। अभी हम खड़े हैं उरई के स्टेशन रोड पर, जहां पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि 4.5 साल बीत चुके हैं, आपके विधायक ने कितना काम किया और आपको क्या लगता है कैसी गवर्नमेंट होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है जी, सर क्या नाम है आपका? हरजीत सिंह। हरजीत सिंह जी, 4.5 साल बीत चुके हैं, किसका वोकल टाइट है, क्या लगता है आप कौन सी गवर्नमेंट होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट तो सबने अपने अपने वादे किए, लेकिन निर्वाह किसी ने नहीं किया। समस्याओं कितनी प्रतिकूल हैं, कितनी अनुकूल उनका निवारण हो सकता है, इस पर निर्भर करता है। अभी बात बात के आश्वासन चल रहे हैं, धार्मिक उन्माद भी अपनी तरफ काम कर रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। तरीके से कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ, ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी हो लेकिन विकास होना चाहिए, तो विकास आज इनको नहीं दिखा। कुछ लोग हो रहे हैं, उनसे पूछना चाहेंगे, हमारे साथ ही। क्या नाम है आपका? तारिक मिर्जा। अच्छा तारिक जी, 4.5 साल बीत चुके हैं, क्या लगता है कि आपके विधानसभा में कार्य हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, विधायक जी के तो राज में कोई ऐसा कोई काम नहीं है और सरकार भी लगता है कि भाजपा की नहीं होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस की कहीं कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है, रोजगार के नाम पे जीरो है। छात्रों से कहना है कि विधायक जी का वोकल टाइट नहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कुछ लोग और मौजूद हैं, तो उनसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं, 4.5 साल बीत चुके हैं, कैसी गवर्नमेंट होना चाहिए? अभी बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव चाहते हैं आप, क्यों चाहते हैं बदलाव? बहुत परेशानी है, काम धंधे से बेकार हैं, सब बेकारी है। अच्छा, बदलाव चाहते हैं आप, इनका भी कहना है साफ तौर से कि हम बदलाव चाहते हैं। कितना बदलाव चाहते हैं? यहाँ पे 4.5 साल के विकास में कुछ भी नहीं हुआ है, सरकार चेंज होना चाहिए। अच्छा, और जो है क्यों चाहते हैं सरकार कहते हैं? क्योंकि 4.5 साल में यहाँ पर इतना चेंज हुआ है, फिलहाल में यहाँ हजन सीट है और हजन सीट पर यहाँ कोरी बाहुल है, संतोष कोरी यहाँ पे सीट निकाल सकता है। इतना विकास भी तो उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ गई, जिससे वृद्धों के साथ साथ युवाओं को भी कमर दुख। हम तो ये कहते हैं कि सरकार बदल कर अपने क्षेत्र में जो भी विधायक बने, नया युवा नई सोच के साथ हो, जो युवाओं के साथ साथ जिस शहर का देश का विकास कर सके और सभी लोगों को काम के रोजगार के अवसर प्रदान करें। हमारे क्षेत्र में युवा पीढ़ी कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोश तेज तर्रार कर्मठशील व्यक्ति संतोष चौरी और किसी लोग। तो आप क्या विधायक बदलना चाहते हैं या भगा बदलना चाहते हैं? वोकल टाइट है, और जो आएंगे ना उनका ही वोकल टाइट होगा। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, पूछना चाहेंगे कि 4.5 साल के 2022 का चुनाव होने वाले, क्या चाहते हैं आप, कैसा बदलाव चाहते हैं? बदलाव बदलाव तो पूरी जनता की मांग है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है, बदलाव बहुत जरूरी है। देख रहे हैं आप, 4.5 साल में कोई विकास विकास के नाम पे बस सरकार ने विकास करा ला रही है। युवाओं का महत्व देखिए, युवा विधायक उनके उनकी पार्टी में हो सकता है, कोई संतोष कोरी का नाम है, ठीक है, काफ़ी मेहनती है, आगे है। विकास को लेकर हम कुछ दुकानदारों से भी हम बात और करेंगे, यहाँ पर हम मौजूद हैं, तो हम पूछना चाहेंगे कि 4.5 साल बीत चुके हैं, 4.5 साल में कितना विकास हुआ, क्या चाहते हैं, क्या नाम है आपका?
हमारा नाम आलोक कुमार गुप्ता। आलोक कुमार गुप्ता जी, 4.5 साल बीत चुके हैं आपके क्षेत्र में यानी उरई विधानसभा, कितना विकास हुआ? अभी तो विकास जहाँ था वहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पे 4.5 साल योजना तो आई नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं आई? अभी एक रोड बनाया गया है, बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे बना है, उसका हमारे जनपद को या उरई शहर को कोई लाभ ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आपके यहाँ क्षेत्र में ये जो आपका जालौन है और कुठौन है, क्षेत्र से उसके रास्ता निकली है, योजना तो मिली है, उसका लाभ तो तभी मिलेगा जब यहाँ इंडस्ट्री आए। आप चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, इनका कहना है कि बदलाव हो, अभी कुछ लोग हो रहे हैं दुकानदार हैं जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज खान। इम्तियाज जी, 4.5 साल बीत चुके हैं, 2022 के चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहते हैं बदलाव के? भाई, हमारे देश के मुख्यमंत्री ने, यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर हर गरीब आदमी को गेहूँ 10 किलो 20 किलो गेहूँ दिया है, मगर वो गलत है, ये सब गलत है। उनको कायदे से हर इंसान को काम देना चाहिए। अगर 30 दिन काम मिलेगा तो वो 12,000 का आदमी बनेगा। मनरेगा में काम स्टार्ट करा है? मनरेगा से कोई फायदा नहीं है। काम चाहिए हर आदमी को, 30 दिन काम चाहिए, यानी रोजगार होना चाहिए। यहाँ जिला जालौन में, उरई में कोई काम नहीं है, जिला जालौन में कोई भी काम नहीं है, कोई भी विकास नहीं है। इनका कहना है कि जालौन में हिंद बल्कि प्रदेश भर में कहीं विकास नहीं हुआ है, रोजगार बढ़ाना चाहते हैं। इनको मतलब है कि रोजगार बढ़े ताकि लोगों को फायदा हो। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि 4.5 साल बीत चुके हैं आपके शहर में, आपके विधायक क्षेत्र में कितना विकास हुआ? जी, क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम उरई के। उरई के जी। आपके विधायक जी जो हैं उनको जानते हैं आप? हाँ। क्या नाम है उनका? हरिशंकर। अच्छा, आपके विधायकी क्षेत्र में कितना विकास हुआ? विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। हुआ है? भाजपा गवर्नमेंट रहे, भाजपा ही गवर्नमेंट रहे, हम तो चाहते रहे। विधायक जी ने काम किया, कुछ लोग और मौजूद हैं जी। क्या नाम है आपका? सुखनंदन। सुखनंदन जी, 4.5 साल बीत चुके हैं, क्या लगता है आपको कि विकास हुआ कि नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? विकास बहुत कुछ हुआ है। विकास हुआ है, तो क्या चाहते हैं आप? गवर्नमेंट यही रहे? यही रहेगी। तो पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नागेंद्र सोनी। अच्छा, सोनी जी बताइए कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? विकास भी हुआ है और सरकार में जनता को सुविधा भी है। अच्छा, और निडर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोगों का इसमें बिल्कुल सफाया है। अच्छा, तो उनसे पूछना जी, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सर। ज्ञानेंद्र जी, 4.5 साल बीत चुके हैं, नए चुनाव आने वाले हैं 2022 के, तो क्या लगता है आपको, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास बराबर हुआ है और हो रहा है। अच्छा, के वकील 4 साल बीत चुके हैं, क्या लगता है आपको कि विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ विकास, सब सब ढोंग है। अच्छा, और इस बार मजबूती समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। अच्छा, विकास समाजवादी पार्टी सरकार, विकास होता है मजबूती पर, विकास होता है, अगले विकास चलाते हैं। नहीं, क्यों लगता है कि अभी यहाँ पे रोड बनवाए हैं, राशन कार्ड फ्री बढ़ रहा है, ये सब दिखावटी है, चुनाव आ गया है इसलिए सब दिखावटी हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी, ये भी समाजवादी पार्टी जाते हैं, इनका भी कहना है कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आए और लगातार यहाँ पे युवा जो मौजूद हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट को चाहते हैं। अब देखना ये है कि समाजवादी पार्टी कितना कार्य करती है, तो आने वाला वक्त बताएगा।